my name is Afsar P. Bashir Pirzade. I'm with this business almost last nine years. As a store manager, I'm working with the food junction. We are in this retail from last 9 years. From 2012, we are in the same business. क्वालिटी अश्योरेंस के अगेंस्ट में हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, डंजो हम लोग को इस तरीके से हेल्प कर रहा है, जो कस्टमर हम लोग को जानता नहीं है हम लोग उस तक पहुंच रहे हैं, और जो कस्टमर हम लोग के पास में अगर किसी वजह से नहीं आ रहा है, काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, उस डंजो थ्रू हम लोग उस तक पहुँच रहे हैं। इवन छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कस्टमर को चाहिए तो वो डंजो थ्रू हम लोग कस्टमर तक जा रही है, हम लोग का भी बिजनेस उस तरीके से ग्रो हो रहा है। इस तरीके से हम लोग के जो लोकल वेंडर्स है, लोकल जो सपोर्टर्स हैं, उन लोग का भी हेल्प हो रही है, उन लोग का भी बिजनेस ग्रो हो रहा है। Hi, my name is Divya Anand. I am a business aggregator here. I look after all the online portals for Rolls Mania. Rolls Mania started as a small kiosk in 2009. We then grew and we got a brand name, Rolls Mania, in 2011. After that, there was no looking back. In 2014, we signed our first franchisee ownership, and we are growing year on year at 103%, which is a great number, I would say. Our association with Dunzo started only with Pune, because Pune is our like a hometown, I would say, with approximately 42 stores right now. And after a good, I would say, a relation with Dunzo, we started getting associated for all other cities as well. So I'll say right now we are pan India with Dunzo. Hi, this is Ganesh. I'm from Pune itself. Country chicken la almost 1.5 years zale ata. आणि इन बिटवीन 1.5 वर्षांमध्ये जर आपण डंजोसोबत जर पार्टनर्स डिलिव्हरीजचं जर आपण डिस्कस करतो तर डिलिव्हरीजसाठी आम्हाला ऑलमोस्ट 1 वर्ष झालं आहे. जेव्हा आम्ही डंजोला अप्रोच केलं होतं डिलिव्हरीजसाठी तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगला गेस्चर दिला होता. जेव्हा आम्ही एक स्टार्ट होतो तेव्हा त्यांनी ॲज अन डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून खूप सपोर्ट केलं होतं फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ. बिकॉज जेव्हा आम्ही दुसरे जे रायबल्स आहेत त्यांना जेव्हा अप्रोच केलं होतं ह्या सेम कॉन्सेप्ट डिलिव्हरीसाठी तेव्हा त्यांनी आम्हाला त्या हिशोबाने त्या वेळेने एक्सपोजर दिलं नव्हतं.